हेलो एवरीवन, वेलकम टू फॉरनर्स प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। आई एम नीरज कुमार कैथल। टुडे इज 6 मई 2023। लेट्स बिगिन टुडेज 8 PM एमसीक्यू सेशन फॉर अपकमिंग एम्स नॉर्सेट एग्जाम 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ नर्स इज सपोर्टिव ऑफ अ चाइल्ड receiving long-term rehabilitation in home rather than healthcare facility. Why is living with family so important to a child's emotional development? जब किसी बच्चे में रिहेबिलिटेशन लंबे समय तक चलने वाला है तो इस बच्चे को हॉस्पिटल में ना रखकर घर पर रखा जाता है, ऐसा क्यों? क्यों इमोशनल डेवलपमेंट फैमिली में रहकर अच्छा होता है? इस बारे में आपको सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इट प्रोवाइड्स रिवार्ड एंड पनिशमेंट, द चाइल्ड्स डेवलपमेंट इज सपोर्टेड, इट रिफ्लेक्ट्स द मोर्स ऑफ लार्ज सोसाइटी, द चाइल्ड्स आइडेंटिटी एंड रोल आर लर्न्ड। यहां पर सही जवाब होगा ऑप्शन डी। एक बच्चा जब अपने परिवार के साथ रहता है तो उसके अंदर प्रॉपर इमोशनल डेवलपमेंट देखने को मिलता है। बच्चा परिवार के बीच में रहकर सोशलाइज हो पाता है, अपनी वैल्यूज को समझता है, अपने परिवार के लिए उसकी क्या जिम्मेदारी है, उसकी क्या रोल्स हैं, इस चीज को वो सीखता है, समझता है, अपनाता है। जब बच्चा इन सब चीजों को सीख जाता है तो वो आसानी से सोसाइटी के अंदर खुद को एस्टेब्लिश कर सकता है। और अगर आपने बचपन में उसे ज्यादा समय हॉस्पिटल में रखा रिहैबिलिटेशन के लिए तो बच्चा इन सब चीजों को सीख नहीं पाएगा और कहीं ना कहीं जब वो सोसाइटी में जाकर अपने आप को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगा तो उसे प्रॉब्लम आएगी। इसी वजह से चाइल्ड के प्रॉपर इमोशनल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए लॉन्ग टर्म रिहैबिलिटेशन की जो कंडीशंस होती हैं उनमें क्लाइंट को हॉस्पिटल में ना रखकर घर में रहने, फैमिली के साथ रहने के लिए कहा जाता है। ऑप्शन ए, बी और सी के अंदर पनिशमेंट, रिवॉर्ड, सपोर्ट और मोर्स का डेवलप होना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा बच्चे की आइडेंटिटी और उसके रोल के बारे में उसे जानना ज्यादा जरूरी है। सो ऑप्शन डी इज प्रायोरिटी हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ चाइल्ड कम्स टू द हॉस्पिटल आफ्टर एक्सपोजर टू डिप्थीरिया एंड इज गिवन एंटीटॉक्सिन, दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज नोन एज। एक बच्चा हॉस्पिटल में डिप्थीरिया डिजीज के एक्सपोजर के बाद आता है, आप उसे एंटीटॉक्सिन एज अ ट्रीटमेंट देते हैं, ये किस प्रकार की इम्यूनिटी के होने को बताता है? एक्टिव नेचुरल, एक्टिव आर्टिफिशियल, पैसिव नेचुरल, पैसिव आर्टिफिशियल। हम इस बच्चे को बाहर से तैयार की गई एंटी टॉक्सिन दे रहे हैं, एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी है। आर्टिफिशियली तैयार किए गए एंटी टॉक्सिन्स को हम क्लाइंट को दे रहे हैं, इस वजह से इस डिजीज़ के लिए उसकी खुद की बॉडी एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, तो ये पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ डॉक्टर इज इंसर्टिंग चेस्ट ट्यूब, विच मटेरियल शुड द नर्स हैव अवेलेबल टू बी यूज्ड एज द फर्स्ट लेयर ऑफ ड्रेसिंग एट चेस्ट ट्यूब इंसर्शन साइट। किसी क्लाइंट में डॉक्टर द्वारा चेस्ट ट्यूब इंसर्ट की जा रही है, इस चेस्ट ट्यूब को लगाने के बाद इन चारों में से डॉक्टर द्वारा फर्स्ट लेयर ऑफ ड्रेसिंग के रूप में किस सब्सटेंस का इस्तेमाल किया जाएगा? चेस्ट ट्यूब लगा दी, इसके बाद फर्स्ट लेयर ऑफ ड्रेसिंग के लिए इनमें से किसका इस्तेमाल किया जाएगा? ऑप्शन ए स्टेराइल 4x4 गॉज पैड, ऑप्शन बी पेट्रोलियम जेली गॉज, ऑप्शन सी एब्सॉर्बेंट गॉज ड्रेसिंग, ऑप्शन डी गॉज इम्प्रीग्रेटेड विद पॉवर्डीन आयोडीन। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी पेट्रोलियम जेली गॉज। पेट्रोलियम जेली गॉज का इस्तेमाल किया जाता है चेस्ट ट्यूब की फर्स्ट लेयर ड्रेसिंग को मेंटेन करने के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नर्सिंग इंस्ट्रक्टर आस्क द स्टूडेंट टू डिस्क्राइब फीटल सर्कुलेशन स्पेसिफिकली द डक्टस विनोसस. विच स्टेटमेंट बाय द स्टूडेंट इंडिकेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डक्टस विनोसस. इन चारों ऑप्शंस में से आप उस ऑप्शन को सेलेक्ट करें जो कि डक्टस विनोसिस क्या है इसे बता रहा हो. ऑप्शन ए, इट कनेक्ट्स द पल्मोनरी आर्टरी टू अरोटा. ये स्ट्रक्चर पल्मोनरी आर्टरी को अरोटा से जोड़ती है. ऑप्शन बी, इट इज एन ओपनिंग बिटवीन राइट एंड लेफ्ट एट्रिया. ये हमारे हार्ट के राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच पाई जाने वाली एक ओपनिंग है. ऑप्शन सी, इट कनेक्ट्स द अम्बिलिकल वेन टू इंफीरियर वेना कावा. ये हमारी अम्बिलिकल वेन को इंफीरियर वेना कावा से जोड़ती है. ऑप्शन डी, इट कनेक्ट्स अम्बिलिकल आर्टरीज टू इंफीरियर वेना कावा. ये हमारी अम्बिलिकल आर्टरी को इंफीरियर वेना कावा से जोड़ती है. बहुत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये फीटल सर्कुलेशन से. फीटल सर्कुलेशन में जो बाईपास शंट पाए जाते हैं उनका कंप्लीट रिवीजन है आपके इस क्वेश्चन के अंदर. एक्सीलेंट गाइस, आप बिल्कुल सही हैं. ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर. देखिए ऑप्शन फोर के अंदर कहा गया है कि अम्बिलिकल आर्टरी को इंफीरियर वेना कावा से जोड़ने वाली स्ट्रक्चर. आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी फीटस के अंदर फ्रेश ब्लड को, ऑक्सीजन रिच ब्लड को अम्बिलिकल वेन लेकर इंफीरियर वेना कावा के थ्रू हार्ट तक पहुंचाती हैं, जबकि अम्बिलिकल आर्टरीज ये काम नहीं करती. अम्बिलिकल आर्टरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी से बाहर ले जाने का काम करती हैं. तो ये ऑप्शन आपका यहाँ गलत हो जाता है. अब वन बाय वन सभी बातों को समझते हैं. अम्बिलिकल वेन और इंफीरियर वेना कावा को आपस में जोड़ने वाली जो कनेक्टिंग स्ट्रक्चर है उसे हम डक्टस विनोसिस के नाम से जानते हैं. लीवर के पास डक्टस विनोसिस वह स्ट्रक्चर होती है जो कि इंफीरियर वेना कावा और अम्बिलिकल वेन को आपस में जोड़ने का काम करती है. अब ऑप्शन बी की बात करते हैं. ओपनिंग बिटवीन राइट एंड लेफ्ट एट्रियम. ये हमारा हार्ट है, चार चैम्बर की स्ट्रक्चर. इसमें ऊपर वाले दो चैम्बर्स हैं, इन्हें आप एट्रियम मान लीजिए. ये लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट एट्रियम है. और इन दोनों एट्रियास के बीच में यहाँ पर जो आप ग्रीन कलर से मैंने ओपनिंग बनाई है इसे देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर फोरामेन ओवल के नाम से जानी जाती है. यहाँ पर नीचे लिखा हुआ भी है, फोरामेन ओवल. अब बात करते हैं ऑप्शन ए के अंदर बताई गई स्ट्रक्चर की. वह स्ट्रक्चर जो पल्मोनरी आर्टरी को एरोटा से जोड़ती हो. फीटल सर्कुलेशन में लंग्स मैच्योर नहीं होते, इसलिए ब्लड को बाईपास करने के लिए हमारी आर्टरी और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में, एरोटा और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में एक कनेक्शन बना होता है. इसे हम डक्टस आर्टरियोसिस के नाम से जानते हैं, जो इस डायग्राम में आपको यहाँ बना हुआ देखने को मिलेगा. हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से ये जो वेसल निकल रही है ये एरोटा है, और राइट वेंट्रिकल से ये जो ब्लड वेसल निकल रही है ये पल्मोनरी आर्टरी है. ये दोनों आगे जाकर आपस में इस डक्ट के द्वारा, इस चैनल के द्वारा, इस शंट के द्वारा जुड़ती हैं. इसे हम डक्टस आर्टीरियोसिस के नाम से जानते हैं. तो तीन चीजें हो गई, डक्टस विनोसिस जो कि अम्बिलिकल वेन को इंफीरियर वेना कावा से जोड़ता है, डक्टस आर्टीरियोसिस जो कि अरोटा को पल्मोनरी आर्टरी से जोड़ता है, और फोरामेन ओवल जो कि राइट और लेफ्ट एट्रियम के बीच में एबनॉर्मल ओपनिंग का पाया जाना होता है. आप चाहें तो अपने रिवीजन के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ नर्स इज डिस्कसिंग अल्कोहलिक एनोनिमस विद अ क्लाइंट. व्हाट बिहेवियर एक्सपेक्टेड ऑफ मेंबर्स ऑफ अल्कोहलिक एनोनिमस शुड द नर्स इंक्लूड इन द डिस्कशन. आप किसी पेशेंट जिसे अल्कोहल इंटेक की बहुत बड़ी लत है, आदत है, उसे अल्कोहल छुड़ाने के लिए, शराब छुड़ाने के लिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस ग्रुप के बारे में बता रहे हैं. इस ग्रुप के बारे में बताते हुए इन चारों पॉइंट्स में से किस पॉइंट को इस पेशेंट के साथ आप जरूर डिस्कस करना चाहेंगे.
ऑप्शन ए स्पीकिंग अलाउड एट वीकली मीटिंग, इस ग्रुप की जो मीटिंग्स होती हैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस ग्रुप की जो मीटिंग्स होती हैं उनमें जो भी लोग आते हैं उन्हें तेजी से बोलने को कहा जाता है। ऑप्शन बी प्रॉमिसिंग टू अटेंड एटलीस्ट 12 मीटिंग्स ईयरली, इस ग्रुप में आने के बाद आपको साल में कम से कम 12 मीटिंग्स अटेंड करने का प्रॉमिस करना होता है। ऑप्शन सी मेंटेनिंग कंट्रोल ड्रिंकिंग आफ्टर 6 मंथ्स, 6 महीने बाद आपको कंट्रोल ड्रिंकिंग करने के लिए मोटिवेट किया जाता है। ऑप्शन डी एक्नॉलेजिंग एंड इनएबिलिटी टू कंट्रोल द प्रॉब्लम, इस ग्रुप में आए सभी व्यक्ति इस बात को स्वीकारते हैं, मानते हैं कि वो चाहकर भी शराब को छोड़ नहीं पा रहे हैं, वो छोड़ना चाहते हैं लेकिन इस लत से वो दूर नहीं हो पा रहे हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी एल्कोहलिक एनोनिमस एक बहुत ही बड़ा ग्रुप है जो कि लोगों को अल्कोहल की एडिक्शन छुड़वाने के लिए काम करता है। इस ग्रुप में आने के बाद सभी लोग जिन्होंने अल्कोहल छोड़ा है वो इस चीज को एक्सेप्ट करते थे कि वो अल्कोहल छोड़ना चाहते हैं, शराब छोड़ना चाहते हैं लेकिन चाहकर भी वो इस आदत को नहीं छोड़ पा रहे हैं। ये चीज क्लाइंट को आप जरूर बताएंगे जिससे उसे हौसला मिलेगा और ये रियलिटी भी है। इस ग्रुप में आने के बाद वीकली मीटिंग्स को अटेंड करके उसमें तेजी से बोलने जैसा कोई नियम नहीं है। इस ग्रुप को ज्वाइन करना और कितनी मीटिंग्स अटेंड करेंगे ऐसा कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं होता। क्लाइंट जब अल्कोहलिक एनोनिमस ग्रुप को ज्वाइन करता है तो उसे इस प्रकार से ट्रेंड किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है कि वो लाइफ में कभी भी दोबारा अल्कोहल को इस्तेमाल करने की आदत नहीं लगाएगा। यहाँ पर कहा गया था कि क्लाइंट 6 महीने बाद थोड़ा थोड़ा अल्कोहल लेगा, लेकिन ये गलत स्टेटमेंट है। क्लाइंट को इस ग्रुप में अल्कोहल को पूरी तरह से एब्सटीन करने के बारे में बताया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नर्स हैंग्स एंड इंट्रावीनस आईवी बैग ऑफ 1000 ml ऑफ 5% डेक्सट्रोज इन वाटर एट 3 PM एंड सेट्स द फ्लो रेट टू इन्फ्यूज एट 75 ml पर आवर एट 11 PM। द नर्स शुड एक्सपेक्ट द फ्लूइड रिमेनिंग इन द आईवी बैग टू बी एट अप्रॉक्सीमेटली विस लेवल। आपने किसी क्लाइंट के अंदर D5W की बॉटल को जो कि 1000 ml की है 3 बजे शुरू किया था। पेशेंट में आपने आईवी ड्रिप दोपहर 3 बजे शुरू की थी और 75 ml पर आर के हिसाब से इस ड्रिप को आप चला रहे थे। रात को जब 11 बजेंगे 11 PM पर इस ड्रिप में कितना सॉल्यूशन बचेगा ये आपको बताना है। 1000 ml की बॉटल थी यानी 1 लीटर की बॉटल थी, 3 बजे शुरू की गई थी, 11 बजे रात तक कितना फ्लूइड चढ़ जाएगा, कितना बाकी बचेगा ये चीज आपको बताना है। 500 ml, 600 ml, 400 ml या 300 ml, इनमें से आप अपना ऑप्शन सेलेक्ट करें। देखिएगा दोपहर 3 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक टोटल कितने घंटे हो गए, 8 घंटे हो गए और हमने यहाँ पर 75 ml पर आर की रेट से ट्रांसफ्यूजन कर रहे थे। तो 75 ml मल्टीप्लाई बाय 8 आवर्स यानी 75 ml 1 घंटे में आप फ्लूइड चढ़ा रहे थे और अब 8 घंटे तक आपने फ्लूइड को ट्रांसफ्यूज किया चढ़ाया। तो यहाँ पर ऐसा करते हुए आपने टोटल 600 ml को पेशेंट की बॉडी में पहुंचा दिया है। तो 1000 ml में से 600 ml फ्लूइड आपने चढ़ा दिया है तो फिर पीछे बचेगा 400 ml फ्लूइड रिमेनिंग। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। क्लाइंट के बॉटल में अब 400 ml फ्लूइड बचेगा रात को 11 बजे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नर्स चेक्स अ यूनिट ऑफ ब्लड रिसीव्ड फ्रॉम द ब्लड बैंक एंड नोट्स द प्रेजेंस ऑफ गैस बबल्स इन टू द बैग।
वॉट एक्शन शुड द नर्स टेक? किसी पेशेंट में आपको ब्लड ट्रांसफ्यूज करना है और आपने ब्लड बैंक से ब्लड मंगवाया। ब्लड बैंक को जब आपने असेस किया तो आप ये देखते हैं कि इस ब्लड बैग के अंदर गैस बबल्स मौजूद हैं। तो इस सिचुएशन में एज अ नर्स आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, रिटर्न द बैग टू द ब्लड बैंक, हम इस ब्लड बैग को वापस ब्लड बैंक में लौटा देंगे। ऑप्शन बी, एजिटेट द बैग टू मिक्स कंटेंट जेंटली, हम बैग को एजिटेट करेंगे ताकि ये कंटेंट मिक्स हो जाए। ऑप्शन सी, एड 10 ml नॉर्मल सलाइन टू द बैग, हम बैग में 10 ml नॉर्मल सलाइन डाल देंगे। ऑप्शन डी, इन्फ्यूज द ब्लड यूजिंग फिल्टर ट्यूबिंग, हम इस ब्लड को ट्रांसफ्यूज कर देंगे फिल्टर ट्यूबिंग लगाकर। यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ये चीज बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप जब नर्सिंग ऑफिसर बन जाएंगे और क्लाइंट में ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे तो ये एक बहुत ही ध्यान से करने वाला प्रोसीजर है। जब भी आपके पास ब्लड बैंक से ब्लड आता है तो आप उसके अंदर उसकी एक्सपायरी डेट, कलेक्शन डेट और उसकी प्रेजेंस आदि को चेक करते हैं। और अगर इस बैग के अंदर आपको गैस बबल्स मिलते हैं तो इसका मतलब है कि ये ब्लड कंटेमिनेटेड हो सकता है। जब ब्लड बैग के अंदर गैस बबल्स मौजूद हैं तो इसका मतलब है कि इन्फेक्शन भी इसके अंदर हो सकता है, ये ब्लड कंटेमिनेटेड है। और ऐसा मानते हुए हम इस ब्लड बैग को वापस ब्लड बैंक में रिटर्न करवा देंगे। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन ओल्डर अडल्ट इज शेड्यूल्ड फॉर कॉरोनरी आर्टियोग्राफी ड्यूरिंग अ कार्डियक कैथेटराइजेशन, विच नर्सिंग इंटरवेंशन विल बी इसेंशियल एज शी रिकवर्स फ्रॉम द डायग्नोस्टिक प्रोसीजर ऑन हॉस्पिटल यूनिट? किसी ओल्ड लेडी के अंदर कार्डियक कैथेटराइजेशन प्रोसेस के दौरान कॉरोनरी आर्टियोग्राफी भी की गई, इस प्रोसीजर के से रिकवर होते समय इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा डायग्नोस्टिक प्रोसीजर आपको इसेंशियली परफॉर्म करना चाहिए? ऑप्शंस आर, एनकरेजिंग द फ्रीक्वेंट एम्बुलेशन टू प्रिवेंट डीप वेन थ्रोम्बोसिस, हम इस क्लाइंट को सर्जरी के बाद जल्द ही चलने फिरने के लिए, एम्बुलेट करने के लिए एनकरेज करेंगे ताकि उसमें डीप वेन थ्रोम्बोसिस कंडीशन ना हो। ऑप्शन बी, लिमिट फ्लूइड इनटेक टू प्रिवेंट फ्लूइड ओवरलोड, हम इसमें फ्लूइड इनटेक को कम से कम रखने की सलाह देंगे ताकि फ्लूइड ओवरलोड ना हो जाए। ऑप्शन सी, लिमिटिंग डाइट्री फाइबर टू प्रिवेंट डायरिया, डाइट्री फाइबर्स कम से कम खाने के लिए कहेंगे ताकि उसमें डायरिया ना डेवलप हो जाए। ऑप्शन डी, असेसिंग द आर्टेरियल पंचर साइट व्हेन टेकिंग वाइटल साइंस, हमें जिस जगह से कैथेटर इंसर्ट किया गया था उस आर्टेरियल पंचर साइट को लगातार असेस करते रहना चाहिए जब जब आप वाइटल साइंस चेक करें तब तब। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है, लेकिन एम्स नॉर्सेट बहुत बड़ी पोस्ट है, इसे पाने के लिए आपको ऐसे क्वेश्चन से जरूर गुजरना होगा। यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन डी। जब जब हम इस पेशेंट में वाइटल साइंस का असेसमेंट करेंगे तब तब हमें आर्टेरियल पंचर साइट का असेसमेंट भी करना चाहिए। देखिएगा, पेशेंट में जब भी आप वाइटल साइन चेक करेंगे उस समय जिस जगह से हमने क्लाइंट की बॉडी में कैथेटर इंसर्ट किया था उस साइट को भी जाकर देख लेंगे कि उस साइट से कहीं ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, किसी प्रकार का वहां पर ब्लड कलेक्शन तो नहीं, यानी हिमेटोमा तो नहीं फॉर्म हो चुका है। ये चीजें हमें लगातार क्लाइंट में असेस करनी चाहिए क्योंकि इस प्रोसीजर के बाद क्लाइंट में ब्लीडिंग, हिमेटोमा, आर्टेरियल इंसफिशियंसी जैसी कंडीशन डेवलप होने की पूरी संभावना रहती है। ऑप्शन ए के अंदर कहा गया था कि एनकरेज फ्रीक्वेंट
फ्रीक्वेंटली एम्बुलेशन, देखिएगा इस प्रोसीजर को करने के बाद रिस्क ऑफ ब्लीडिंग रहता है, इसलिए हम कई घंटों तक क्लाइंट को बेड रेस्ट करने के लिए कहते हैं, एम्बुलेट करने के लिए मना करते हैं। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन बी के अंदर कहा गया था कि बॉडी में कहीं फ्लूइड ओवरलोड ना हो जाए, इसलिए हम फ्लूइड इनटेक से मना करते हैं, जो कि एक गलत ऑप्शन है। इस क्लाइंट में जब आर्टरियोग्राफी प्रोसीजर किया गया था तो क्लाइंट की बॉडी में डाई इंजेक्ट की गई थी, और इस डाई को शरीर से बाहर निकालने के लिए हम क्लाइंट से कहते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए ताकि यूरिन के थ्रू आपके ब्लड में मौजूद ये डाई फ्लश आउट हो जाए, शरीर से बाहर निकल जाए, अदरवाइज ये आपकी बॉडी में दिक्कत कर सकती है, ऑर्गन्स को डैमेज कर सकती है। ऑप्शन थ्री के अंदर बताया गया है कि क्लाइंट को हम डाइट्री फाइबर्स कम से कम खाने की सलाह देंगे, जो कि एक गलत ऑप्शन है। कार्डियक सर्जरी के बाद अगर क्लाइंट के अंदर कॉन्स्टिपेशन डेवलप हो जाएगी तो क्लाइंट को स्टूल पास करने के लिए स्ट्रेन करना पड़ेगा, ताकत लगानी पड़ेगी, और ताकत लगाने से क्लाइंट के हार्ट के ऊपर दबाव पड़ेगा, जो इस क्लाइंट की कंडीशन को बिगाड़ सकता है। तो कार्डियक सर्जरी के बाद हम कोशिश करते हैं कि क्लाइंट में कॉन्स्टिपेशन डेवलप ना हो, इसलिए उसे डाइट्री फाइबर्स लेने के लिए कहा जाता है। तो यहाँ से ये सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। होपफुली आपके सभी डाउट्स यहाँ से क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रांसफर ऑफ एंटीबॉडीज फ्रॉम मदर्स मिल्क टू द बेबी इज कॉल्ड। मदर के मिल्क से एंटीबॉडीज का बच्चे तक पहुंचना किस प्रकार की इम्यूनिटी कहलाता है? आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव, आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एक्टिव, नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव, नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव। ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू बच्चे में इम्यूनोग्लोबुलिन ए पहुंचता है और ये बच्चे में इम्यूनिटी डेवलप कराता है, और इस एंटीबॉडी का इस मेथड से ट्रांसफर होना नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी कहलाता है। नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नर्स इज अप्लाइंग ईसीजी इलेक्ट्रोड्स टू अ डायफोरेटिक क्लाइंट, विच इंटरवेंशन शुड द नर्स टेक टू कीप द इलेक्ट्रोड सिक्योरली इन प्लेस। किसी पेशेंट को डाइफोरेसिस हो रहा है और इसमें हमें ईसीजी लेना है, ईसीजी के इलेक्ट्रोड सही तरह से क्लाइंट के चेस्ट पर चिपक सकें, इसके लिए हमें इनमें से कौन सा इंस्ट्रक्शन फॉलो करना होगा, कौन सा इंटरवेंशन इस्तेमाल करना होगा? ऑप्शन ए अप्लाई लेलोनिन ऑन द स्किन बिफोर अप्लाइंग द इलेक्ट्रोड्स। हम क्लाइंट के चेस्ट पर इलेक्ट्रोड्स लगाने से पहले लेनोलिन लगाते हैं। ऑप्शन बी प्लेस क्लियर ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग ओवर द इलेक्ट्रोड्स। हम क्लाइंट के ईसीजी इलेक्ट्रोड्स पर क्लियर ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग लगा देते हैं। ऑप्शन सी सिक्योर द इलेक्ट्रोड्स विथ एडहेसिव टेप। हम क्लाइंट में इलेक्ट्रोड्स को एडहेसिव लगाकर फिक्स कर सकते हैं। ऑप्शन डी क्लींसिंग द स्किन विथ एल्कोहल बिफोर अप्लाइंग द इलेक्ट्रोड्स। हम इलेक्ट्रोड्स लगाने से पहले स्किन को अल्कोहल से क्लीन कर सकते हैं। दिस क्वेश्चन इज वेरी बेसिक एंड इंपॉर्टेंट। यस, आप बिल्कुल सही हैं, यहां पर ऑप्शन डी सही माना जाएगा। अगर आप किसी भी बॉडी एरिया पर अल्कोहल अप्लाई करते हैं तो ये डी फैट कर देता है उस एरिया में, यानी कि उस जगह पर जो भी चिकनी चीजें हैं, फैट सब्सटेंस हैं, उसे वहां से हटा देगा और इलेक्ट्रोलाइट इजीली स्किन के ऊपर चिपक जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। क्लाइंट ने अपने चेस्ट एरिया पर बॉडी को मॉइस्चर रखने के लिए हो सकता है बॉडी लोशन या फिर कोई ऑयल या कोई क्रीम लगा रखी होगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट्स यहाँ पर चिपक नहीं रहे हैं। आपको सबसे पहले इलेक्ट्रोड्स लगाने से पहले जिस जगह पर इलेक्ट्रोड्स लगाए जाएंगे वहां पर अल्कोहल से उस एरिया को क्लीन कर देना है, ताकि वहां पर किसी भी प्रकार का फैट सब्सटेंस है, क्रीम है, मॉइस्चर
मॉइस्चराइजर है वो सभी हट जाएगा, तो अब क्लाइंट के चेस्ट पर इलेक्ट्रोलाइट बड़े ही आसानी से चिपक जाएंगे और आप इजीली ईसीजी ले पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ क्लाइंट इन द कार्डियक स्टेप डाउन यूनिट रिक्वायर्स सक्शनिंग फॉर एक्सेसिव म्यूकस सिक्रीशन, द नर्स शुड बी मोस्ट केयरफुल टू मॉनिटर द क्लाइंट फॉर विच डिसरिथमिया ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर। एक पेशेंट जिसे कार्डियक स्टेप डाउन यूनिट में रखा गया है और इस क्लाइंट में एक्सेसिव म्यूकस सिक्रीशन के कारण सक्शनिंग करने की आवश्यकता है, इस क्लाइंट में जब आप सक्शनिंग कर रहे होंगे तो कार्डियक मॉनिटर पर इनमें से किस डिसरिथमिया की फाइंडिंग को आप केयरफुली मॉनिटर करेंगे? ऑप्शन ए ब्रैडीकार्डिया, टैकीकार्डिया, प्रीमैच्योर वेंट्रिकुलर बीट्स या फिर हर्ट ब्लॉक। सिंपली आपको बताना है कि सक्शनिंग करते समय कौन सा डिसरिथमिया डेवलप हो सकता है, इनमें से कौन सी कंडीशन डेवलप हो सकती है। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। देखिए, जब भी आप किसी क्लाइंट का एयरवे सक्शन करेंगे, म्यूकस सिक्रीशन को सक्शन मशीन द्वारा सक करके हटाएंगे, तो सक्शन करने के दौरान कैथेटर के द्वारा वेगल नर्व स्टिमुलेट हो जाती है, जिसकी वजह से क्लाइंट की हार्ट रेट कम होने लगती है। सक्शनिंग के दौरान वेगल स्टिमुलेशन देखने को मिलता है, जिससे कि ब्रैडीकार्डिया जैसी कंडीशन डेवलप होती है जो कि क्लाइंट के लिए डेंजरस हो सकती है। टैकीकार्डिया अगर डेवलप होता है तो इसका कोई वैसे ज़्यादा डेंजरस बात नहीं है और टैकीकार्डिया रेयरली यहाँ देखने को मिलेगा। प्रीमैच्योर वेंट्रिकुलर बीट्स और हर्ट ब्लॉक, ये दोनों कंडीशंस भी रेयरली सक्शनिंग के दौरान डेवलप होती हैं। तो यहाँ पर सक्शनिंग से सबसे ज़्यादा रिलेटेड कंडीशन है ब्रैडीकार्डिया, और अगर आपने सक्शनिंग लगातार करते रहे, ब्रैडीकार्डिया बढ़ता रहा, तो क्लाइंट में और सीवियर प्रॉब्लम हो सकती है, क्लाइंट का हर्ट काम करना बंद हो सकता है। तो याद रखें, सक्शनिंग जब भी करें हाइपर ऑक्सीजनेट करके करें, 10 सेकंड से ज़्यादा ना करें, और क्लाइंट में मॉनिटर को देखते रहें कि उसकी हार्ट रेट वगैरह ठीक है या नहीं। नेक्स्ट, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जिसे हम एक्स्ट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी के नाम से भी जानते हैं। फर्टिलाइज्ड एग इम्प्लांट एंड ग्रो आउटसाइड द मेन कैविटी ऑफ यूट्रस। एक्टोपिक या एक्स्ट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी वह कंडीशन है जिसमें फर्टिलाइज्ड ओवम का इम्प्लांटेशन यूट्रस की मेन कैविटी के अलावा किसी और जगह हो गया हो। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज एम्प्यूला ऑफ फेलोपियन ट्यूब एंड इट इज कॉल्ड ट्यूबल प्रेगनेंसी। सबसे ज़्यादा एक्टोपिक प्रेगनेंसी फेलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला पार्ट में देखने को मिलती है, और अगर ये फर्टिलाइज्ड ओवम फेलोपियन ट्यूब में ही कहीं पर भी इम्प्लांट हो जाए तो इसे आप ट्यूबल प्रेगनेंसी के नाम से जानते हैं। एक्स्ट्रा यूट्राइन कैविटी में यदि फर्टिलाइज्ड ओवम इम्प्लांट होता है तो वो ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा। आइए अब ईसीजी वेव्स से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टी वेव के बारे में। हमारी ईसीजी स्ट्रिप के ऊपर जब हमारे हर्ट में कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी डीपोलराइजेशन होता है, तब इस वेव का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, इट इज फॉर्म्ड व्हेन द एट्रियम डीपोलराइज, यानी एट्रियम जब सिकुड़ता है तब पी वेव बनती है। पी वेव की यदि आपसे नॉर्मल ड्यूरेशन पूछ ली जाए तो आप बता सकते हैं 0.12 सेकेंड्स। यहाँ पर ये चीज इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पी आर इंटरवेल की। पी आर इंटरवेल, पी आर इंटरवेल की बात की जाए तो जब हमारे एट्रिया से वेंट्रिकल्स में कंडक्शन होता है, इम्पल्स पहुँचते हैं, तब इसका फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर कंडक्शन ऑफ इम्पल्स फ्रॉम एट्रिया टू
वेंट्रिकल, इस समय इसका फॉर्मेशन होता है। और अगर पीआर इंटरवल की ड्यूरेशन आपसे पूछ ली जाए तो आप बताएंगे 0.12 से लेकर 0.20 सेकेंड्स के बीच में इसकी ड्यूरेशन होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स के बारे में। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को डिनोट करता है, यानी जब हमारे दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तब ये क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स बनता है। यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, फॉर्म्ड ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन या कॉन्ट्रैक्शंस, कुछ भी लिख सकते हैं आप। वेंट्रिकल्स हर्ट के नीचे वाले दोनों चैम्बर्स हैं, जब ये सिकुड़ते हैं तब क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। और अगर इसकी ड्यूरेशन आपसे पूछ ली जाए तो आप बता सकते हैं 0.04 से लेकर 0.1 सेकेंड के बीच में। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स की टोटल ड्यूरेशन 0.04 सेकेंड से लेकर 0.1 सेकेंड के बीच में होती है। ये पॉइंट्स यहाँ से इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसटी सेगमेंट की। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिएगा एसटी सेगमेंट। एसटी सेगमेंट वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन और सॉरी वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को इंडिकेट करता है। एसटी सेगमेंट भी वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को इंडिकेट करता है। वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन और एस नॉर्मल एसटी सेगमेंट की ड्यूरेशन आपसे पूछ ली जाए तो आप बता सकते हैं 0.8 सेकेंड्स, 0.8 सेकेंड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं टी वेव की। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा टी वेव। टी वेव जो है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन के बीच में इस रिलेशन को शो करती है। यहां पर भी आप लिखिएगा वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन रिलेशन। इट इंडिकेट्स रिलेशन बिटवीन बोथ वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में कॉन्ट्रैक्शंस का क्या रिलेशन है, इसे टी वेव द्वारा डिनोट किया जाता है। और इसकी ड्यूरेशन आपसे पूछ ली जाए तो आप बता सकते हैं 0.08 सेकेंड से लेकर 0.12 सेकेंड के बीच में। 0.08 सेकेंड से लेकर 0.12 सेकेंड्स के बीच में टी वेव की ड्यूरेशन देखने को मिलती है। ये सभी पॉइंट्स यहाँ से इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट आप लिख लीजिएगा चाहे तो क्यूटी इंटरवल के बारे में। ये हालांकि इतना नहीं पूछा जाता, क्यूटी इंटरवल के अंदर जो ड्यूरेशन होती है वो 0.32 से लेकर 0.40 सेकेंड्स के बीच में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नर्स टीचेज अ पोस्ट पार्टम क्लाइंट अबाउट पोस्ट डिलीवरी लोकिया। द नर्स डिटरमाइंड दैट द एजुकेशन हैज बीन इफेक्टिव व्हेन द क्लाइंट सेज दैट ऑन द सेकेंड डे पोस्ट पार्टम द लोकिया शुड बी विच कलर। इस क्वेश्चन में सिंपली आपसे ये पूछा जा रहा है कि डिलीवरी के बाद दूसरे दिन जो लोकिया निकलता है, वेजाइनल सिक्रीशंस निकलते हैं, वो किस कलर के होते हैं, रेड, येलो, व्हाइट या पिंक। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, रेड। आइए लोकिया से जुड़े कुछ पॉइंट्स को क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। डिलीवरी के बाद से लेकर अगले 15 दिनों तक वुमेन में वेजाइनल रूट से कुछ ब्लीडिंग जैसा सब्सटेंस निकलता है, ये लोकिया कहलाता है। लोकिया के अंदर ब्लड, डेसिड्यूअल फ्रेगमेंट्स, सर्वाइकल म्यूकस, वेजाइनल सिक्रेशन सभी मिक्स होते हैं। नॉर्मली जो लोकिया होता है वो स्कैंटी होता है और ओडोरलेस होता है। अगर किसी वुमेन में पेरी
पेरिनियल पैड 1 घंटे में सेचुरेट हो जाता है, तो इसका मतलब है वुमेन को पोस्टपार्टम हेमरेज हो रहा है। और जब हम डिलीवरी के बाद वुमेन में पोस्टपार्टम हेमरेज का असेसमेंट करना चाहते हैं, तो इसके लिए जब पेरिनियल पैड वुमेन को दिया जाता है उसका पहले कितना वेट था और इसे लगाने के बाद ब्लड के कारण उसका कितना वेट हो गया है, इन दोनों वेट्स को रिकॉर्ड किया जाता है। लोकिया जो है 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जा सकता है, रुब्रा, सिरोसा, अल्बा। रुब्रा रेड कलर का होता है, शुरुआत के 1 से 3 या 4 दिनों तक रहता है। सिरोसा जो है ब्राउनिश पिंक येलो कलर का होता है, ये 4 से 10 दिनों के बीच में पाया जाता है। और लोकिया अल्बा जो होता है ये व्हाइट कलर का होता है, ये 11 से 15 दिनों के बीच में देखने को मिलता है। तो 1 से 4 दिन, 4 से 10 दिन और फिर 11 से 15 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट ऑफ अ लैब टेस्ट आर सिग्निफिकेंट टू डायग्नोस अ डिसऑर्डर। इनमें से कौन सी लैब वैल्यू किसी डिजीज कंडीशन के होने को बताती है? आरबीसी काउंट 4.5 to 5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम, हीमोग्लोबिन 13 to 14 ग्राम पर डीएल, प्लेटलेट्स 2,50,000 to 5 लाख पर क्यूबिक एमएम। ऑप्शन डी डब्ल्यूबीसी काउंट 12,000 to 13,000 पर क्यूबिक एमएम। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी का नॉर्मल काउंट 4,000 से 11,000 के बीच में होना चाहिए। यहाँ पर 12 से 13,000 नॉर्मल सॉरी डब्ल्यूबीसी काउंट दिया गया है। इसका मतलब है कि शरीर में डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ चुकी है, संख्या बढ़ चुकी है। और शरीर में यदि डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ता है तो ये बॉडी में किसी प्रकार के इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन के होने को बताता है। इसके अलावा आरबीसी का काउंट 4 to 6 मिलियन सेल्स पर क्यूबिक एमएम नॉर्मल है, हीमोग्लोबिन 13 to 14 नॉर्मल है, प्लेटलेट काउंट 2.5 से 4.5 लाख तक, 5 लाख तक हम नॉर्मल मान सकते हैं, तो ये ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज नॉट यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ हाइपरकैलीमिया। अगर क्लाइंट में पोटेशियम लेवल नॉर्मल से ज़्यादा है तो इस चीज को मैनेज करने के लिए किसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? कैल्शियम ग्लूकोनेट, सालब्यूटामोल, सोडियम बाइकार्बोनेट या एट्रोपाइन सल्फेट। यस एग्जैक्टली, ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। हाइपरकैलीमिया के मैनेजमेंट में कैल्शियम ग्लूकोनेट, सालब्यूटामोल, सोडियम बाइकार्बोनेट इन तीनों चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि एट्रोपिन सल्फेट यहाँ इस्तेमाल नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 12 आवर्स आफ्टर डिलीवरी द नर्स असेसेस द क्लाइंट फॉर यूट्राइन इन्वोल्यूशन। द नर्स डिटरमाइंस दैट द यूट्रस इज प्रोग्रेसिंग नॉर्मली टूवर्ड्स इट्स प्री प्रेगनेंसी स्टेट व्हेन पाल्पेशन ऑफ द क्लाइंट्स फंडस इट एट विच लेवल। इस पूरे क्वेश्चन में सिंपली आपसे ये पूछा जा रहा है कि डिलीवरी के 12 घंटे बाद फंडस इनमें से किस लेवल पर होगा अगर वो नॉर्मली प्री प्रेग्नेंट स्टेट में आ रहा है। तो इन्वोल्यूशन का मतलब होता है यूट्रस का प्रेगनेंसी से पहले वो जैसा था उस आकार में आना। इन्वोल्यूशन का मतलब होता है मदर के सभी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का प्री प्रेग्नेंट स्टेज में आना, यानी पहले की तरह सामान्य होना। अब आप बताएं कि 12 घंटे बाद डिलीवरी के फंडस कहाँ पर होगा? अम्बिलिकल लेवल पर, 2 फिंगर बिनिथ द बिलो द अम्बिलिकस, अम्बिलिकस से 2 फिंगर्स नीचे, 1 फिंगर बिनिट बिलो टू द अम्बिलिकस, अम्बिलिकस से 1 फिंगर नीचे, या फिर मिडवे बिटवीन अम्बिलिकस एंड द सिम्फाइसिस प्यूबिस, सिम्फाइसिस प्यूबिस बोन और अम्बिलिकस के बीच में। यहां पर सही जवाब है आपका ऑप्शन ए। जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है प्लेसेंटा बाहर निकलता है, जो यूट्रस का फंडस है
वो नाभि के लेवल पर आ जाता है, अम्बिलिकस के लेवल पर आ जाता है, और फिर ये यहाँ से धीरे धीरे अपनी प्री प्रेग्नेंट स्टेट के अंदर कन्वर्ट होता है। इस प्री प्रेग्नेंट स्टेट में पूरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को आने में 6 सप्ताह का समय लगता है, 42 डेज का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच एलिमेंट इज फाउंड इन हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन में इनमें से कौन सा सब्सटेंस पाया जाता है? आयरन, कॉपर, जिंक, गोल्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, आयरन। हमारी जो रेड ब्लड कार्पसल्स होती हैं, आरबीसी होती हैं, उसके ऊपर हीमोग्लोबिन नाम का एक पिगमेंट पाया जाता है जिसमें आयरन भी मौजूद रहता है। हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन पाया जाता है और इस हीमोग्लोबिन के द्वारा ऑक्सीजन को बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाता है। एक हीमोग्लोबिन के द्वारा एक बार में 4 ऑक्सीजन एटम्स को ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। एग्जाम में इस चीज को भी काफी बार पूछा गया है कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में कितना आयरन होता है, तो आप बताएंगे 3.34 mg। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन के अंदर कुल 3.34 mg आयरन होता है। आइए मोलार प्रेगनेंसी क्या होती है इसके बारे में जान लेते हैं। मोलार प्रेगनेंसी को हम हाइडेटी डिफॉर्म मोल के नाम से भी जानते हैं। मोलार प्रेगनेंसी ऑल्सो नोन एज हाइडेटी डिफॉर्म मोल। अ ट्यूमर फॉर्मेशन बाय ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स ऑफ यूट्रस आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने के बाद यूट्रस में ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स के द्वारा एक ट्यूमर का निर्माण कर देना मोलार प्रेगनेंसी या हाइडेटी डिफॉर्म मोल कंडीशन कहलाता है। ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स ऑफ यूट्रस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो इन द यूट्रस एंड फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। यहाँ पर ये जो ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स शब्द हमने इस्तेमाल किया है, ये वो सेल्स होती हैं जो फर्टिलाइजेशन के बाद में एम्ब्रियो को यूट्रस में इम्प्लांट करने की में मदद करती हैं और प्लेसेंटा के निर्माण में मदद करती हैं। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। मोलार प्रेगनेंसी को हम हाइडेटी डिफॉर्म मोल के नाम से जानते हैं और इस कंडीशन के अंदर फर्टिलाइजेशन के बाद यूट्रस में ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स के द्वारा ट्यूमर का निर्माण किया जाता है। ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स वह सेल्स हैं जो कि एम्ब्रियो को इम्प्लांट करने में और प्लेसेंटा का निर्माण करवाने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू मॉनिटर फॉर अ टेम्परेरी बट कॉमन पोस्ट सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन ऑफ अ ट्रांसस्पेनोइडल रिसेक्शन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, द नर्स शुड रेगुलरली परफॉर्म विच असेसमेंट? आपने किसी पेशेंट में पिट्यूटरी ग्लैंड के किसी हिस्से को ट्रांसस्पेनोइडल रिसेक्शन रूट द्वारा रिमूव किया है। इस प्रोसीजर के बाद कॉमन टेम्परेरी कॉम्प्लिकेशन आपको कौन सा देखने को मिलेगा? ऑक्सीजन सेचुरेशन, टेम्परेचर, यूरिन आउटपुट, पल्स रेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, यूरिन आउटपुट। जब पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि हमारे ब्रेन के नीचे सिचुएटेड होती है, इसके किसी हिस्से को सर्जरी द्वारा निकाला जाता है, तो इस सिचुएशन में टेम्परेरी रूप से वहां पर डायबिटीज इंसिपिडस जैसी कंडीशन देखने को मिलती है, यानी कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा ADH हार्मोन का सिक्रीशन कुछ समय के लिए कम कर दिया जाता है या बंद कर दिया जाता है, जिससे क्लाइंट में यूरिन आउटपुट बहुत ज़्यादा होने लगता है। ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है। जब भी हम ट्रांसस्पेनोइडल रूट की बात करते हैं, तो इसका मतलब होता है नेजल रूट से पिट्यूटरी ग्लैंड को रिमूव करना, नोज के थ्रू पिट्यूटरी ग्लैंड को रिमूव करना ट्रांस स्पेनोइडल रूट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ क्लाइंट हु सर्वाइव्ड अ हाउस फायर इज एक्सपीरियंसिंग रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस एंड एन इनहेलेशन इंजरी इज सस्पेक्टेड। व्हाट शुड द नर्स मॉनिटर टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग? किसी घर में आग लग गई थी
उस घर में रहने वाले व्यक्ति को हमने जैसे तैसे बचा लिया, लेकिन अब पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है। हो सकता है आग लगने के दौरान जब वो घर में था तो उसने गर्म हवा को इनहेल कर लिया होगा, जिससे कि उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ये गर्म हवा इनहेलेशन इंजरी का कारण बनी होगी। इस पेशेंट में हो सकता है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग भी हो गई हो। अगर आपको ये चीज़ पता करनी है कि इस पेशेंट में कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग है या नहीं, तो इस सिचुएशन के लिए कौन सा टेस्ट करवाया जाएगा? स्पूटम कार्बन लेवल्स, यूरिन मायोग्लोबिन लेवल, पल्स ऑक्सीमेट्री, या फिर सीरम कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन लेवल? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। हमारे ब्लड में कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्डिंग ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में बहुत ज्यादा अच्छा होता है। जब कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग होती है, तब क्लाइंट के अंदर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है, यानी हीमोग्लोबिन के साथ ये कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ जाती है और इनके मिलने से जो कंपाउंड बनता है उसे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का नाम देते हैं। अब अगर आपको ये सस्पेक्शन है कि हो सकता है इसे कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हुई है, तो आप सिंपली क्लाइंट के अंदर सीरम कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का लेवल चेक करवा लीजिए। अगर ये लेवल नॉर्मल से ज़्यादा होता है, ये लेवल पाया जाता है, तो इसका मतलब है क्लाइंट को कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हुई है। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग होने पर क्लाइंट का जो फेस है वो चेरी रेड दिखाई देता है, और इसके ट्रीटमेंट के लिए हम 100% ऑक्सीजन क्लाइंट को देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच सिचुएशन वुड द नर्स चेक चौस्टिक एंड प्रोसेसिव साइंस? इनमें से किस कंडीशन के होने पर एज अ नर्स आप चौस्टिक और प्रोसेसिव साइंस की प्रेजेंस को आइडेंटिफाई करेंगे, चेक करेंगे? ऑप्शन ए, क्लाइंट कंप्लेन्स ऑफ काफ पेन। अगर पेशेंट कहता है कि उसे काफ मसल्स में पेन है। क्लाइंट कंप्लेन्स ऑफ हेडेक एंड फोटोफोबिया। क्लाइंट कंप्लेन्स वीकनेस एंड डिस्फेजिया। क्लाइंट कंप्लेन्स टिकलिंग इन द फुट। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। अगर पेशेंट आपसे ये कहता है कि उसे पैरों में टिंगलिंग सेंसेशन हो रहा है या हाथों में टिंगलिंग सेंसेशन हो रहा है, तो ये हाइपोकैल्सीमिया कंडीशन की शुरुआत को बताता है। हाथ पाँव में सूनापन होना या सुई जैसे चुभने का आभास होना टिंगलिंग सेंसेशन कहलाता है, और ये बॉडी में कैल्शियम की कमी होने के बारे में बताता है। हमारे शरीर में नॉर्मल कैल्शियम लेवल 8.5 से 10.5 के बीच में होना चाहिए। अगर इससे कम कैल्शियम लेवल होता है तो ये कंडीशन हाइपोकैल्सीमिया या टिटैनी कहलाता है, और टिटैनी कंडीशन के होने पर क्लाइंट में एबनॉर्मल मसल स्पाज्म देखने को मिलते हैं, जिसे चौस्टिक और ट्रोसेसु साइन के द्वारा चेक किया जा सकता है। चौस्टिक साइन फेशियल मसल्स में एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा चेक किए जा सकते हैं, जबकि ट्रोसेसु साइन एक्सट्रीमिटीज के अंदर एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन को देखकर या स्पाज्म को देखकर चेक किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमेटोक्रेट के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? वुड बी एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज पॉलीसाइथीमिया। वुड बी एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज ड्यू टू हीमोलाइटिक एनीमिया। इज टिपिकली बिटवीन 28% टू 48% इन नॉर्मल अडल्ट मेल। कुड बी इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन ईपीओ रिलीज बाय द किडनी। इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले हम बात करते हैं हिमेटोक्रिट एक्चुअली होता क्या है। हिमेटोक्रिट को हम पैक्ड सेल वॉल्यूम के नाम से भी जानते हैं। हिमेटोक्रिट ऑल्सो नोन एज पैक्ड सेल वॉल्यूम, पीसीवी। इट इज अ परसेंट ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय आरबीसी। हमारे ब्लड के अंदर आरबीसी के द्वारा कितना स्थान घेरा जा रहा है, इसे परसेंटेज में बताया जाता है, और यही हिमेटोक्रिट वॉल्यूम है। जैसे कि इस डायग्राम में यहाँ पर देखिए, ये कोई यूटेंसिल है, ये कोई बर्तन है, बीकर है, ग्लास है। इसके अंदर मान लीजिए
पूरा ब्लड भरा हुआ है। थोड़े समय बाद में जब आरबीसी सेटल डाउन हो जाएंगी, नीचे पैंदे में बैठ जाएंगी, इकट्ठी हो जाएंगी, तो आप देखेंगे कि इस आरबीसी के द्वारा लगभग आधे स्पेस को ऑक्यूपाई किया गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस पर्सन के शरीर में या इस यूटेंसिल के अंदर 50% हिमेटोक्रिट है, यानी आधी जगह हिमेटोक्रिट ने आरबीसी ने घेर रखी है। तो यही चीज हमारी बॉडी में भी होती है, हमारे ब्लड वॉल्यूम में कितना स्थान आरबीसी ने घेरा है, ब्लड का कितना जगह आरबीसी ने घेरा है, इसे परसेंट में बताते हैं। और ये पीसीवी या हिमेटोक्रिट के नाम से जानी जाती है, पैक्ड सेल वॉल्यूम। अब इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही आंसर है। अगर हमारी किडनीज के द्वारा एरिथ्रोपोएटिन सब्सटेंस का रिलीज किया जाता है तो ये आरबीसी की संख्या को बढ़ा देगा, और आरबीसी की मात्रा बढ़ेगी तो हिमेटोक्रिट काउंट भी इंक्रीज देखने को मिलेगा। किडनी सिक्रीट एरिथ्रोपोएटिन ईपीओ दैट इंक्रीजेस द आरबीसी। अब हम बात करते हैं कुछ एबनॉर्मल कंडीशंस की, जैसे मैलिग्नेंसी ऑफ रेड बोन मैरो, सीओपीडी, एम्फाइसीमा, हाइपोक्सिया कॉजिंग सिचुएशंस। इन सब सिचुएशंस के अंदर भी कई बार हमें पीसीवी का लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नॉर्मल हिमेटोक्रिट काउंट होता कितना है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये टेबल इंपॉर्टेंट है, कई बार ये बेसिक वैल्यूज पूछ ली जाती हैं। अगर अडल्ट मेल के अंदर बात की जाए तो एवरेज जो काउंट है वो 42 से 48% होता है। एवरेज अडल्ट मेल के अंदर पीसीवी का नॉर्मल काउंट, हिमेटोक्रिट का नॉर्मल काउंट 42 से 48 के बीच में होता है, 42 to 48%। फीमेल की बात की जाए तो ये मेल की तुलना में कम, 38 से 46% के बीच में होता है, 38 से 46% के बीच में होता है। एवरेज अगर आपसे पूछे तो हमेशा आपका आंसर मेल के लिए 45 और फीमेल के लिए 42 होना चाहिए। चाइल्ड के केस में हिमेटोक्रिट लेवल 35 से 49% होता है, और न्यूबॉर्न के केसेस के अंदर 49% से 54% के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नर्स इज एनकरेजिंग द क्लाइंट टू कफ एंड डीप ब्रीथ्स आफ्टर कार्डियक सर्जरी। द नर्स एंश्योर्स दैट विच आइटम इज अवेलेबल टू मैक्सिमाइज द इफेक्टिवनेस ऑफ दिस प्रोसीजर। किसी क्लाइंट में आपने हर्ट की कोई सर्जरी की और इस सर्जरी के बाद आप उस पेशेंट को डीप ब्रीथिंग और कफिंग एक्सरसाइज करवा रहे हैं ताकि उसका रेस्पिरेशन ट्रैक्ट एकदम नॉर्मल काम करे, उसमें कॉम्प्लिकेशंस ना डेवलप हो। इस चीज को करवाते समय आप इन चारों ऑप्शंस में से किस इक्विपमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि क्लाइंट में इस डीप ब्रीथिंग और कफिंग एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो सके और क्लाइंट को डिस्कम्फर्ट भी ना हो। सक्शन इक्विपमेंट, एम्ब्यू बैग, नेबुलाइजर या इंसीजनल स्प्लिंटिंग पिल्लो। हर्ट की सर्जरी के बाद कफिंग और डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करवाते समय किस इक्विपमेंट का इस्तेमाल करके हम क्लाइंट में ये एक्सरसाइज इफेक्टिवली करवा सकते हैं और क्लाइंट में डिस्कम्फर्ट भी नहीं होगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, इंसीशनल स्प्लिंटिंग पिलो। इस नाम से कंफ्यूज मत होइएगा, इंसीशनल स्प्लिंटिंग पिलो जस्ट लाइक अ सिंपल पिलो, ये एक साधारण तकिए की तरह होता है और इसे हम क्लाइंट को चेस्ट पर आगे लगाने के लिए देते हैं, और जब भी क्लाइंट डीप ब्रीथ या कफ करता है तो इसे चेस्ट की तरफ टाइटली कंप्रेस करवाया जाता है ताकि क्लाइंट इजीली डीप ब्रीथ कर सके, कफिंग कर सके और उसे तकलीफ भी ना हो, डिस्कम्फर्ट भी ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ड्रग इज यूज्ड टू प्रिवेंट ब्रैडीकार्डिया ड्यूरिंग सर्जरी। इनमें से किस मेडिसिन का इस्तेमाल करके हम सर्जरी में ब्रैडीकार्डिया कंडीशन ना डेवलप हो जाए, इसे रोक सकते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड, सक्सिनाइल क्लोराइड, एमियोडेरोन, एट्रोपीन। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, एट्रोपीन। एट्रोपीन सल्फेट हार्ट रेट को बढ़ाने का काम करता है, टैकिकार्डिया कॉज कराता है।
रिमेनिंग ऑप्शंस की बात की जाए तो नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O, इसे लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है। सक्सिनाइल क्लोराइड एक मसल रिलैक्सेंट मेडिसिन है और एमियोडेरोन एंटी अरिथमिक ड्रग है, यानी हर्ट में अरिथमियास कंडीशन को डेवलप होने से रोकने के लिए एमियोडेरोन ड्रग का इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द इन्फेक्टेड बॉडी इट इज कॉल्ड। अगर इन्फेक्टेड पर्सन के शरीर के अंदर खुद ही एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन होता है तो ये किस प्रकार की इम्यूनिटी कहलाती है? पैसिव, एक्टिव, बोथ या कोई भी नहीं? यस, एग्जैक्टली, इट इज कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ क्लाइंट रिसीविंग टोटल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन थ्रू अ सबक्लेवियन कैथेटर सडनली डेवलप्स डिस्पनिया, टैकीकार्डिया, साइनोसिस एंड डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। बेस्ड ऑन दीज फाइंडिंग्स, विच इज द बेस्ट इंटरवेंशन फॉर द नर्स टू इम्प्लीमेंट फॉर द क्लाइंट? किसी क्लाइंट में मान लीजिए सेंट्रल लाइन लगी हुई थी और उसे सेंट्रल लाइन के थ्रू टोटल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन दिया जा रहा था। अब इस पेशेंट में अचानक से डिस्पनिया हुआ, यानी उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी, उसकी हार्ट रेट 100 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा हो गई, यानी टैकीकार्डिया हो गया, उसकी बॉडी में ब्लूइश डिस्कलरेशन होने लगा, यानी कि साइनोसिस हुआ, और पेशेंट अब धीरे धीरे अपनी कॉन्शियसनेस को भी खो रहा है, यानी बेहोश हो रहा है। इन सभी फाइंडिंग के हिसाब से आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा एक्शन आपके द्वारा सबसे पहले लिया जाएगा। ऑप्शन ए में बताया गया है, एग्जामिन द इंसर्शन साइट फॉर रेडनेस। हम इस क्लाइंट में जिस जगह पर सबक्लेवियन कैथेटर लगा है उसे असेस करेंगे कि वहां किसी प्रकार की रेडनेस तो नहीं। ऑप्शन बी, ऑब्टेन अ स्टेट ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल। हम क्लाइंट में सबसे पहले ऑक्सीजन सेचुरेशन का लेवल चेक करेंगे। ऑप्शन सी, परफॉर्म अ स्टेट फिंगर स्टिक ग्लूकोज टेस्ट। हम क्लाइंट में शुगर लेवल को तुरंत चेक करेंगे। ऑप्शन डी, टर्न द क्लाइंट टू लेफ्ट साइड इन ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन। हम क्लाइंट को बाई करवट में लिटाकर ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन दे देंगे। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर 3 स्टार दूंगा। अपकमिंग एम्स नॉर्सेट एग्जाम के लिए ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को बड़े ही सावधानी से आंसर करिएगा, जल्दबाजी में आप ज़्यादा चांसेस हैं कि गलत ऑप्शन को पिक करेंगे। यहाँ पर सबसे सही आंसर होगा ऑप्शन डी। जब भी क्लाइंट के अंदर आईवी थेरेपी के साथ में डिस्पनिया, टैकीकार्डिया, साइनोसिस, डिक्रीज कॉन्शियसनेस जैसी फाइंडिंग देखने को मिलती है तो ऐसा माना जाता है कि क्लाइंट के अंदर एम्बोलिज्म कंडीशन डेवलप हो चुकी है, यानी क्लाइंट में क्लॉट जो है, एम्बोलाई जो है, वो किसी वाइटल ऑर्गन तक पहुंच चुका है। फर्दर इस चीज के डेवलपमेंट को रोकने के लिए या क्लॉट्स को ट्रैप करने के लिए हम तुरंत क्लाइंट को लेफ्ट करवट दिलाकर, बाई करवट दिलाकर उसके पैरों को सिर के मुकाबले थोड़ा ऊपर कर देते हैं, यानी ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन दे देते हैं। और ऐसा करते ही जो थ्रोम्बस है, एम्बोलाई है, वो राइट एट्रियम में ट्रैप हो जाएगा और यहाँ से आगे किसी वाइटल ऑर्गन तक नहीं जा पाएगा, जिससे फर्दर डैमेज होने की कंडीशन बच जाएगी। सिंपली याद रखिएगा, जैसे ही क्लाइंट को ये सभी सिचुएशन कंडीशन होगी तो तुरंत हम क्लाइंट को बाई करवट में लेटा देंगे। उसके बाद क्लाइंट के जो पैरों का हिस्सा है उसे सिर के हिस्से के तुलने में थोड़ा सा ऊपर कर देंगे, जिससे कि एयर एम्बोलिज्म का फर्दर डैमेज रुक जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ क्लाइंट डायग्नोस्ड विथ लेफ्ट प्लूरल इफ्यूजन हैज जस्ट बीन एडमिटेड फॉर ट्रीटमेंट। द नर्स शुड प्लान टू हैव विच प्रोसीजर ट्रे अवेलेबल फॉर यूज एट बेड साइड। किसी पेशेंट को लेफ्ट लंग में प्लूरल इफ्यूजन हुआ और अब उसे ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। इस पेशेंट में ट्रीटमेंट प्लान के दौरान किस प्रोसीजर ट्रे को आप हमेशा बेड के पास रखेंगे?
थोरासेंटेसिस ट्रे को, पैरासेंटेसिस ट्रे को, इंट्यूबेशन इक्विपमेंट्स को या सेंट्रल वीनस लाइन ट्यूब को? अगर किसी क्लाइंट के लंग्स और चेस्ट वॉल के बीच में मौजूद प्लूरल स्पेस के अंदर एबनॉर्मल फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है तो इस कंडीशन को हम प्लूरल इफ्यूजन के नाम से जानते हैं। इस प्लूरल इफ्यूजन के ट्रीटमेंट के लिए हम क्लाइंट के इस प्लूरल कैविटी में निडल इंसर्ट करके इस फ्लूइड को एस्पायरेट करते हुए बाहर निकालते हैं और ये प्रोसीजर थोरासेंटेसिस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नर्स कैरिंग फॉर अ क्लाइंट रिसीविंग इंट्रावीनस थेरेपी मॉनिटर्स फॉर विच साइन ऑफ फिल्ट्रेशन ऑफ एन इंट्रावीनस इन्फ्यूजन एक्सेप्ट। अगर किसी क्लाइंट में आपने आईवी इन्फ्यूजन लगा रखा है, ड्रिप लगा रखी है, अब इस क्लाइंट को यदि इनफिल्ट्रेशन हो जाता है आईवी साइट पर, तो आपको इनमें से कौन सा सिम्टम या कौन सी फाइंडिंग देखने को नहीं मिलेगी, ये आपको बताना है। एक्सेप्ट का क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट। ऑप्शंस आर हॉट स्किन टेम्परेचर अराउंड द आईवी साइट और ऑफ द स्कैल्प, हैंड, आर्म, लेग और फुट नियर द साइट। जिस जगह पर आईवी साइट कनेक्टेड है उस जगह की बॉडी का टेम्परेचर दूसरे आसपास के हिस्सों के टेम्परेचर की तुलना में हॉट होगा। ऑप्शन बी एडिमा अराउंड द इंसर्शन साइट। जिस जगह पर आईवी लाइन इंसर्ट की गई है वहां एडिमा देखने को मिलेगी। टेंडरनेस एट द इंसर्शन साइट, इंसर्शन साइट पर टच करने पर पेन होगा। ऑप्शन डी कूल स्किन टेम्परेचर अराउंड द आईवी साइट ऑफ द स्कैल्प, हेड, आर्म, लेग और फुट नियर द साइट। जिस जगह पर आईवी लाइन लगाई गई है वहां पर स्किन टेम्परेचर आपको नॉर्मल से कम देखने को मिलेगा, ठंडा देखने को मिलेगा। यहां पर सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगर आपको इनफिल्ट्रेशन और फ्लेबाइटिस कंडीशन में डिफरेंस पूछ लिया जाए तो इनमें टेम्परेचर का ही सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। अगर क्लाइंट में इनफिल्ट्रेशन कंडीशन हुई है तो जिस जगह पर आपने कैन्यूला या आईवी लाइन कनेक्ट की है वहां की स्किन टच करने पर आपको हमेशा कूल दिखाई देगी, ठंडी महसूस होगी आसपास की दूसरी स्किन की तुलना में। लेकिन अगर वहां पर फ्लेबाइटिस जैसी कंडीशन हुई है तो वहां पर वो स्किन आसपास की स्किन की तुलना में हमेशा आपको हॉट फील होगी। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। इनफिल्ट्रेशन होने पर एडिमा, टेंडरनेस और कूल स्किन देखने को मिलती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे बेसिक चीजें कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्रोथ्रोम्बिन टाइम वैल्यू वुड बी कंसीडर्ड नॉर्मल फॉर अ क्लाइंट हु इज रिसीविंग वारफेरिन काउमेडिन। किसी क्लाइंट को हम वारफेरिन ड्रग दे रहे हैं तो इस क्लाइंट में प्रोथ्रोम्बिन टाइम की नॉर्मल वैल्यू कितनी मानी जाएगी? 12 सेकेंड, 20 सेकेंड, 60 सेकेंड, 98 सेकेंड। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। अगर क्लाइंट वारफेरिन ड्रग ले रहा है, काउमेडिन ले रहा है, तो उसके लिए प्रोथ्रोम्बिन टाइम की नॉर्मल वैल्यू अप टू 24 सेकेंड्स नॉर्मल मानी जाएगी। ऐसा क्यों है, आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर किसी क्लाइंट को आप वारफेरिन ड्रग दे रहे हैं तो इस सिचुएशन में जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम की नॉर्मल वैल्यू होती है उससे एक डेढ़ से दो गुना तक ज़्यादा भी वैल्यू हो तो इसे नॉर्मल माना जाता है। नॉर्मल यदि प्रोथ्रोम्बिन टाइम की वैल्यू आपसे पूछ ली जाए तो आप बताएंगे 12 सेकेंड। नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम की जो वैल्यू है वो 12 सेकेंड की होती है। लेकिन अगर किसी क्लाइंट को आप वारफेरिन ड्रग दे रहे हैं तो इसमें अगर ये वैल्यू 24 तक भी हो जाएगी, 24 सेकेंड्स तक भी हो जाएगी, तब भी हम इसे नॉर्मल मानेंगे क्योंकि वारफेरिन ड्रग चल रहा है। वारफेरिन ड्रग लेने वाले पेशेंट में प्रोथ्रोम्बिन टाइम की वैल्यू अगर डेढ़ से दो गुना भी ज़्यादा आए तो भी हम इसे नॉर्मल ही मानते हैं। अब
ये चीज यहाँ पर आप समझ गए हैं। तो इस क्वेश्चन में हमने इसी बिहाव पर 20 को सही आंसर माना है। अगर आपसे प्रोथ्रोम्बिन की नॉर्मल वैल्यू पूछी जाती तो आप 12 सेकेंड्स बता सकते थे, लेकिन वारफेरिन ड्रग चलने के बाद क्लाइंट में अगर ये वैल्यू इसकी डबल भी हो जाती है, यानी 24 सेकेंड्स तक भी हो जाती है, तब भी हम इसे नॉर्मल ही मानेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। वारफेरिन के अलावा हिपेरिन जिन पेशेंट्स में चल रही होती है उनमें एपीटीटी टेस्ट करवाया जाता है, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम टेस्ट करवाया जाता है, और इसकी नॉर्मल वैल्यू अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप बता सकते हैं 60 to 70 सेकेंड्स। एपीटीटी टेस्ट की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 60 से 70 सेकेंड के बीच में होती है, और अगर कोई पर्सन हिपेरिन ड्रग ले रहा है और फिर उसमें एपीटीटी वैल्यू आपसे नॉर्मल पूछी जाए तो आप बता सकते हैं कि नॉर्मल वैल्यू का 1.5 से 2 गुना भी अगर एपीटीटी वैल्यू आती है, पेशेंट अगर हेपरिन ले रहा है तो हम इसे नॉर्मल मानेंगे। यानी कि अगर यहाँ पर वैल्यू 120 से लेकर 140 सेकेंड के बीच में भी आती है और पेशेंट हिपेरिन ले रहा है तो हम इसे नॉर्मल कंसिडर करेंगे। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिविजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेस्ट टेस्ट टू असेस द प्रोग्नोसिस ऑफ द पेशेंट। इनमें से उस टेस्ट का नाम आपको बताना है जो सबसे बेहतर है किसी भी क्लाइंट के अंदर प्रोग्नोसिस को पता करने के लिए। ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी, हीमोग्लोबिन लेवल, पैक्ड सेल वॉल्यूम, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, जिसे आप ESR भी कहते हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट एक नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है जो कि बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन का मार्कर है, और साथ ही साथ ये किसी भी डिजीज के प्रोग्नोसिस को पता करने में भी हेल्प करता है। प्रोग्नोसिस शब्द का मतलब होता है किसी भी डिजीज के ठीक होने की कितनी संभावना है। पेशेंट में यदि डॉक्टर कहता है गुड प्रोग्नोसिस है तो मतलब पेशेंट ठीक हो जाएगा या जल्दी ठीक हो जाएगा, और डॉक्टर कहता है कि बैड प्रोग्नोसिस है या पुअर प्रोग्नोसिस है तो इसका मतलब होता है कि पेशेंट के ठीक होने की संभावना बहुत कम है या फिर इसे ठीक होने में बहुत लंबा समय लग सकता है। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने एम्स नॉर्सेट एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस किया। होपफुली आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा और इस क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि एम्स नॉर्सेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और उन्हें रिवीजन में जरूर हेल्प करें। इस चैनल पर आज मॉर्निंग में 1 बजे एमसीक्यूज का एक और सेक्शन पब्लिश किया गया था। होपफुली आपने उस क्लास को भी जरूर देखा होगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन। बेस्ट ऑफ लक।